मानसा की, जहां पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिले में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 101 हो गई है। वहीं बुढ़लाड़ा, सरदुलगढ़ और मानसा में तैनात एसडीएम अपने स्टाफ के कुछ सदस्यों के साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी फिलहाल होम आइसोलेट किए गए हैं और उनके दफ्तर को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो मानसा में भी जो है कोरोना का कहर देखने को मिला है। एसडीएम जो है अपने स्टाफ के साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल सभी को होम आइसोलेट किया गया है और नगर निगम की तरफ से दफ्तर को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो प्रदेश में कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। मानसा में एक्टिव मामलों की बात करें तो एक्टिव मामलों की संख्या जो है 100 के पार हो चुकी है। बुढ़लाड़ा, सरदुलगढ़ और मानसा के एसडीएम भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि शासन प्रशासन जो है इस जो रफ्तार है इस पर ब्रेक लगाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही सामने आ रही है, जिसकी वजह से कोरोना के मामले में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजपुरा से दया सिंह लाइव जुड़े हैं। दया, हालांकि शासन प्रशासन जो है हर एक वो कदम उठा रहे हैं जिससे जो है कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही सामने आ रही है जिसकी वजह से कोरोना के मामले में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। राजपुरा में कोरोना की क्या स्थिति है? जी दीपिका, असी राजपुर के विच आ क्योंकि तुहानू दस दईए कि लगातार जिहड़ा लोग ने जिहड़ा कोरोना वायरस करके पीड़ित हो रहे ने, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस की जिहड़ी मरीजां दी गिणती वधदी जा रही है, क्योंकि कल 24 घंटे दे विच भी जिहड़े 200 दे करीब जिहड़े मरीज पटियाले जिले दे विच आए सन। उस तों बाद जदों कि तुहानू दस दईए कि बीते दिनी 12 तरीक तों जिहड़ा कर्फ्यू दे डेट रख्या सीगा समां 11 बजे तों लै के सवेरे 5 बजे तक, किते ना किते लोग अणगहिली वरतदे सन। उस तों बाद लगातार जिहड़ा कोरोना मरीजां दा जिहड़ा आंकड़ा वधदा जा रिहा, और कल जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ऐलान किया सी रात जिहड़ा 9 बजे तों लैके सवेरे 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिता गया सी, पर जिहड़े लोग सन ओह उसे तरह ही बाजार दे विच घूम रहे सन। कई होटल शराब दे ठेके आपां इंडियन न्यूज़ ते दिखाया हुआ सीगा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट ते। उस तों बाद कुछ ना किते जिहड़ी पुलिस जिहड़ी ओह सख्ती वरत रही सी, और देर रात तक जदों फिर 9 बजे ते उस तों बाद लोग भावें बाजारां विच घूम रहे सन, होटल जां ठेके खुले सन, उस तों बाद पुलिस ने सख्ती वरती ते देर रात जदों पुलिस ने जा के बंद करवाए। उस तों बाद अज साडे नाल लोग मौजूद रहे, गलबात करदे आ कितना ना कितने देखो जी कोरोना वायरस दोबारा मरीज जिहड़े फिर आंकड़े वधदे जा रहे, लोगों की अणगहली है, लोग नहीं समझ रहे इस गल नूं, क्योंकि पहला आपां सोचदे सी कि कोरोना करके जिहड़ा लॉकडाउन लग गया सी काफी बिजनेस ठप हो गए सन, कितना ना कितने लोग फिर अणगहली वरत रहे ने। ओ जी कोरोना करके आपां इह कहिंदे आ कि जिवें आपां जनता नूं आप चाहीदा जी अपनी सेफ्टी वरते, मास्क लावे प्रोपर, ते अपना भीड़ भड़ाके तों बचे, बचाव करे अपना, ते सोशल डिस्टेंसिंग दा पालन करे। ते सरकार देखो जी दोबारा लॉकडाउन फिर लाउन जा रही है, जिहदे करके इस तों पहला जिहड़ा लॉकडाउन लग्गिया सी साडा बहुत नुकसान होया जी, साडे कामकार ते बहुत ज़्यादा फर्क पिया जी। असीं इह चाहुंदे कि असीं इह साडी जिम्मेवारी आ, असीं प्रोपर मास्क पा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग दा पालन करिए, ते इस तों बचाव करिए जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਨਾਈਟ ਸੀਗੀ 9 ਵਜੇ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਕਈ ਖੁੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਲਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਲਣ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਨ, ਭੀੜ ਭਾੜੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਬੈਠਣ, ਕਿਧਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਢਾਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ
मुश्किल तो दोबारा लैन से आए हैं। जे दोबारा लॉकडाउन लग गया तो सा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जितना कितने जो होटल ढाबे या ठेके ने इन्होंने कोऑपरेट करना चाहिए है। जे पुलिस सख्ती कर दी है फिर पुलिस भी माड़ा कर दें। नहीं देखो पुलिस की तो ड्यूटी बनती है जी, भी लोगों को समझा रहे हैं कि मास्क लाओ ये वो, पर जब लोग आप ही कह रहे हैं भी साढ़े बीमारी आप आके लगे तो पुलिस तो अपनी ड्यूटी निभा रही है, पर लोगों को खुद समझना चाहिए कि असी आप मास्क लाइए 9 बजे तो बाद अपने अपने घर जाके बैठिए। सो जी सुन सकते उन्होंने कहना कि सानू आप जागरूक होना पैना क्योंकि लगातार जो कोरोना के मरीजों का आंकड़ा वधदा जा रहा है। जो तक असी मास्क या सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा इसी तरह दोबारा सरकार का सख्ती वरतद दोबारा शायद कितने फिर दोबारा लॉकडाउन ला दो। दीपिका जी बिल्कुल, हालांकि पुलिस प्रशासन जो है अपनी काम मुस्तैदी से कर रही है, लेकिन एक बात बताइए दया, जो अभी जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, जो अभियान है दुनिया का सबसे बड़ा अभियान भारत में चल रहा है, क्या लोग 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं और जो 40 साल के ऊपर के जो पीड़ित है वो वैक्सीन ले रहे हैं? और दूसरी बात यह कि जो टेस्टिंग है, क्योंकि कोरोना के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है, मेडिकल प्रशासन की तरफ से टेस्टिंग क्या कितना बढ़ा दिया गया है राजपुरा में? जी दीपका, वख-वख सेंटर तो बने ने सरकारी हस्पतालों में, उस तो बाद जो कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल ने उन्होंने भी इन्हों वालों वैक्सीन जी दी गई है, जिहड़े 45 साल तो लैके 60 साल की उम्र तक जो लोग ने वह वैक्सीन लवा रहे हैं, पर कितना कितने लोगों में इस गल नू लैके अजे डर खत्म होता जा रहा है क्योंकि वैक्सीन जरूर आ गई है पर कोरोना वायरस अजे खत्म नहीं होया। क्योंकि राजपुरा की गल करिए, राजपुरे हल्के के भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल ने 3-4 हॉस्पिटल ने जिथे लगातार कोरोना वैक्सीन के जो टीकाकरण जी शुरुआत की गई है पिछले हफ्ते तो प्राइवेट भी दे दी, इस करके जो सरकारी हस्पतालों में रश ज्यादा होने करके उन्होंने प्राइवेट जो हॉस्पिटल ने उत्थे कोरोना की जी वैक्सीन वो दी जा रही है, पर ये कितने कितने हूँ जो रश घट हों जा रहा है, पर सैंपलिंग जी है लगातार पटियाला जिले में होंगी जा रही है। जी दीपका जी, हालांकि लोगों को पता है कि इसका खामियाजा हम भुगत चुके हैं, पूरा इकोनॉमी जो है वो डाउन हो गया था, नौकरी चली गई थी, कितनी लोगों की जाने चली गई थी, इसके बावजूद जो है लोग लापरवाह बरत रहे हैं, आखिर वजह क्या है? हालांकि पुलिस प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी दे रही है और चालान काट रहे हैं और सख्ती भी बढ़ा दिया गया है और समय सीमा भी बढ़ा दी गई नाइट कर्फ्यू की, इसके बावजूद लोग लापरवाह हो रहे हैं, आखिर वजह क्या है, चूक कहाँ पे हो रही है? जी दीपका, क्योंकि दस दिए कि एक साल का समा हो चलिया, इसे पिछले साल इसे मार्च के लॉकडाउन लग्या सीगा क्योंकि नवा नवा अजे कोरोना वायरस आया सीगा, उस तो बाद सख्ती वरती गई, पुलिस भी सख्ती वरती गई और लोगों के डर सी, कई मौतां भी हो गई, उस तो बाद जो वैक्सीन आ गई पर लोगों के इस करके हुण डर घटता जा रहा है कि वैक्सीन आ गई है पर लोगों को यह नहीं पता कोरोना वायरस खत्म नहीं होया, क्योंकि वैक्सीन जरूर आई है पर कितना कितने लोग जी अणगहली वरतते हैं क्योंकि पिछले जे काफ़ी समय की गल करिए क्योंकि लॉकडाउन लगन करके लोगों के बिजनेस भी ठप हो गए सन, नौकरियां भी चली गई सन, पर हुण वायरस जिहड़ा हजे भी बरकरार है, कोरोना वायरस लगातार वधदा जरा नजर आ रहा है क्योंकि पंजाब दे विच पहला नालों जिहड़े लगातार जिहड़े केस ने वो वधदे नजर आ रहे हैं और मौतां भी लगातार हो रही, कल भी तुहानूं दस दिए कि पटियाले जिले में एक भी कोरोना वायरस नाल जिहड़ी मौत होई सी, उस तो बाद हुण लोग जिहड़े ने जागरूक नहीं हो रहे, लोगों फिर दोबारा एक बार जो सैमीनार लाने पैणगे क्योंकि हाले भी जिहड़े लोग ने अणगहली वरत रहे हैं, हुण देखना होगा कि पुलिस किन्नी सख्ती वरतदी है क्योंकि कल देर रात जो असी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से इंडिया न्यूज़ ने दिखाया कि बाजारों के विच तुसीं देखे से होटल खुले सन, शराब के ठेके खुले सन, पर पुलिस प्रशासन जिहड़ा उस समय सख्ती वरताई तां जाके कितने होटल बंद होए, हुण लगातार जिहड़े पुलिस है और नाकियां ते लगा के और मास्क के चलान कट रही क्योंकि लगातार 1000 रुपया जिहड़ा जुर्माना रखे गया।